नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, अभी आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को पास कर दिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसके ऊपर में मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन बन सकता है और ये लॉ के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ऐसा अगर इंडिया में भी लागू होता है तो इसके फायदे होंगे। तो क्या है लॉ, सब कुछ समझाऊंगा, पर मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो न्यूज में क्या है साथियों, न्यूज में है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने रिसेंटली न्यू लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया है और जिससे गारंटी मिल रहा है मिलियंस ऑफ वर्कर को राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर जॉब्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल वर्क आवर्स। यानी अब इससे आसान भाषा में पहले सिंपल में मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करता है, उसके बाद वो घर चला जाता है अपने वर्किंग आवर्स के बाद। हर एक ऑफिस का अपना पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स होता है, जैसे जनरली यहाँ पे 10 AM टू 5 PM या 6 PM तक को ही लिया जाता है हर जगह पे। तो ये वर्किंग आवर्स के बाद क्या होता है कि जो आपका बॉस है या आपका कोई भी सीनियर अथॉरिटी है तो वो आपको फिर कॉल नहीं कर सकता। जैसे मानिए आप ऑफिस से निकल गए तो फिर आपको बॉस कॉल नहीं कर सकता किसी भी बहाने से। तो राइट टू डिस्कनेक्ट का यहाँ पे इसीलिए इसको लाया गया इस लॉ को, ताकि जैसे क्या होता था कि पहले जब एम्प्लॉय घर चले जाते थे तो उनको फोन करके या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उनसे फिर से कोई काम उनको असाइन कर दिया जाता था, जिसके कारण से वो जो अपना पर्सनल वर्क लाइफ करते थे उसमें उसका एक तरह का हस्तक्षेप होता था, ठीक है। तो यहाँ सरकार ने कहा कि यहाँ राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को हम लागू कर रहे हैं और अब के बाद कोई भी बॉस एम्प्लॉय को कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर कनेक्ट करना चाहता है तो कंसिडरेबल अनरिजनेबल होना चाहिए, यानी ऐसा कोई सिचुएशन होना चाहिए जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बहुत इमरजेंसी वाला केस है, तभी आप करोगे कनेक्ट। अदरवाइज बिना नीड के, जैसे होता ना कि मतलब नहीं था करने का, उस सिचुएशन में आप नहीं करोगे। तो इस ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी देश है जो इसे कानून ला चुकी है। इसे दूसरे शब्द में अगर हम समझना चाहें तो यूरोप के अंदर में और लैटिन अमेरिका के अंदर में ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पे ये कानून को लागू किया गया है, ठीक है। और उसके बाद उसी से मिलता जुलता, मतलब सेंटेंस में थोड़ी चेंजिंग करके बट एम वही है दोनों का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी अब इसे क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो बैकग्राउंड में मैंने बता दिया कि राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को इसलिए लाया गया ताकि हम एम्प्लॉय को एम्पावर कर सके, ताकि वह कंप्लीटली डिस्चार्ज हो सके, क्या करे अपने डिसरिगार्ड वर्क रिलेटेड हो सके कम्युनिकेशन। जैसे मानिए मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया कि ऑफिस से निकले तो बॉस उनका कॉल नहीं करे, और ये इंश्योर करना कि उनकी जो पर्सनल टाइमिंग्स है, जैसे फैमिली टाइमिंग जिसे हम बोलते हैं, वह जॉब के कारण उसमें हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया है। कोशिश किया जा रहा है कि इसे लार्जर ग्लोबल एफर्ट इसमें लाया जाए, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कोशिश ये कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में इसे लागू किया जाए, हर एक देश इस चीज को अपनाए। क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो कोविड एक एरा था जिसे ना आप भूल सकते हैं ना मैं भूल सकता हूं। तो कोविड के टाइम में क्या था, वर्क फ्रॉम होम का चलन बहुत अच्छा चला था। उस समय वर्क फ्रॉम होम का एक होता है ना नया नया क्रेज चला, फिर लोगों ने काम किया, फिर काम अच्छे से भी हो रहा था कई कंपनी का, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कोई ऑपरेशनल वर्क नहीं है, जहाँ मैनेजरियल वर्क है तो वहां पे एक वर्क फ्रॉम होम, जैसे कोई डेटा वगैरह का काम है तो वो हो रहा है। उसके बाद ना काफी कंपनी को इससे मुनाफा होने लगा और उनको आइडिया आने लगा ना कि अच्छा इससे तो हम इम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं ना, घर पे बैठाएंगे और उनको ये बोलेंगे ना कि आप घर पे अपने फैमिली के साथ हो, आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे, अरे भैया घर पे ही रहना है, मैं जब चाहता हूँ खा पी सकता हूँ और अपना काम भी कर सकता हूँ, मतलब एक रिलैक्स वे में। बट ये चलन कुछ ऐसा चला ना कि ये वर्क स्ट्रेस में बदल गया। अब क्या हो रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम है उसको कंप्लीटली एक तरह के वर्क फ्रॉम ऑफिस बना दिया गया है। एम्प्लॉय हर घंटे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। अभी भी आप देखोगे कि कोविड हटने के बाद भी कई ऑफिस के अंदर में वर्क फ्रॉम होम का चलन अभी भी चल रहा है, क्योंकि उससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है एम्प्लॉय के वर्क से,
ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि कोविड एरा के बाद से ये प्रॉब्लम अराइज होने लगी, जिससे वर्क स्ट्रेस बढ़ा लोगों का, लोग सुसाइड करने लगे, बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, हेल्थ इशू आने लगा, इसीलिए सरकार ने इस पर कंसर्न जताया और तुरंत से ये कानून को लागू किया। एडवांटेज की कुछ बात कर लेते हैं साथियों, तो प्रमोट करेगा वर्क लाइफ बैलेंस को, यानी जो काम और आपका पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर में अच्छा सा बैलेंस बैठेगा। एम्प्लॉय जो बर्नआउट हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं पूरे तरीके से, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस के कारण बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उसमें एक तरह से रिड्यूस करेगा इसको, ठीक है। मेंटल वेलबींग, लोग की मानसिक शांति जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, लोग काम तो कर रहे हैं यार, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, और मानसिक शांति नहीं होने के कारण उनका हेल्थ इफेक्ट में आ रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है, अर्ली डेथ को, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग वर्क आवर्स, यानी काम के दौरान उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे मानिए अगर वो घर से काम ना करें, रिलैक्स होए, सोए अच्छे से, नेक्स्ट दिन ऑफिस आए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट फेयरनेस ऑफ पर्सनल लाइफ, यहाँ का करने का मतलब है कि जो उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल टाइम है, उनको रिस्पेक्ट कर रहे जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो, क्योंकि बॉस आपसे वापस से काम ना ले सके ऑफिस आवर के बाद। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक तो रीजनेबल, जो ये रीजनेबल जो वर्ड है ना कॉन्टैक्ट करने का, वो अभी तक अनक्लियर्ड है। जैसे होता है ना कि कोई चीज क्यों करे, ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत चीज रीजनेबल आपके नजर में हो सकती, मेरे नजर में नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही आप पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ड को डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है लिबर्टी, तो लिबर्टी वर्ड आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए, अजी मैं तो रात के 9 बजे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, मेरी तो ये लिबर्टी है। कोई बोलेगा मैं 3 बजे सुबह में सोऊंगा, मेरी तो ये लिबर्टी है। तो लिबर्टी सबके अलग अलग डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी वर्ड को डिफाइन कर रखा है। उसी तरह से ये जो रीजनेबल वर्ड है ये अनक्लियर है अभी तक, ठीक है। दूसरी बात कि ये चैलेंज करेगा इंडस्ट्रीज को कि अर्जेंट कम्युनिकेशन के, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी आप ऑफिस से निकलोगे, अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या किए होंगे, ठीक है, या फिर आप आने वाले भविष्य में करोगे, तो जैसे मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं जो करते हैं, तो उनको क्या होता है कि कभी कभी जैसे वो ऑफिस से निकले तो उनको बॉस फोन कर देता है, कोई फाइल नहीं मिल रहा है, जैसे मानिए कोई फाइल नहीं मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वो फाइल उन्हीं को सौंपा गया था बट अब वो मिल नहीं रहा है, तो उनको वो कांटेक्ट करके पूछ लेते हैं कि फाइल कहाँ पे। तो ये एक नॉर्मल सा बात था, लेकिन अब ये लॉ आने से ये कुछ एक रीजनेबल ग्राउंड हो जाएगा कि आपने मुझे क्यों कांटेक्ट किया, फिर आप चैलेंज कर दोगे कोर्ट के अंदर में। सो ये चीजें दिक्कत में आती है। फिर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की एक पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, जैसे मानिए कि होता है ना कि आपका बॉस है तो आपका फैमिली रिलेशन भी एक तरह का, बॉस आपकी दुख सुख में आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहा, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है आपके बीच में वो इस लॉ के आने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अब ये हमको काम के लिए फोन कर रहा है या फिर मेरे हालचाल लेने के लिए फोन कर रहा है, तो ये चीजें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन, बड़ा मार्केट है साथियों, बड़ा मार्केट के अंदर में क्या होता है, जैसे भारत के अंदर ही आप ले लो, बड़े मार्केट के अंदर में जल्दी से पॉलिसी को लागू करना और उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। फ्री मार्केट कंसर्न्स, यहाँ पे कहना है जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देते हैं वो कहते हैं कि भैया जो मार्केट फोर्सेस है उसके हिसाब से काम करने दो। मार्केट फोर्सेस एक कैपिटलिस्ट सोच है साथियों, इसमें क्या कहते हैं, जैसे मानिए कि काम की जरूरत पड़ी तभी हम फोन करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पे कर रही है जो कंपनियां हैं वो, बट यहाँ पे सरकार इंटरवेंट कर रही है। उसके बाद चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप, अब जो कंपनी स्टार्टअप क्रिएट करती है वो क्या होती हैं, जैसे उनका बिजनेस रन होता है तो वो पर्सनली भी फोन करके पूछती है कि देखो कल को ऐसे करना है, उससे बात की है कि नहीं, तुम प्रोडक्ट आना था कि नहीं आना था। तो ऐसे क्या होता है ना कि आप स्टार्टअप जब करते हो ना तो आपको रनिंग में तुरंत तुरंत काम करने होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज्यादा हाई होता है। इस केस में जो स्टार्टअप्स होंगे वो अब चैलेंज में आ जाएंगे क्योंकि बड़ी कंपनियां तो हो सकता है इसे अच्छे से लागू कर दे, लेकिन स्टार्टअप्स को दुगना मेहनत करना पड़ता है आगे आने के लिए, तो उनके लिए भी क्या करेगा साथियों, हिंडर क्रिएट करेगा। एक मेंस का क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ जो है इसके ऊपर मैं आप डिफाइन कर दीजिए इसको अच्छे तरीके से। सिग्निफिकेंस बता सकते हैं आप इसका कि वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर में इसका क्या सिग्निफिकेंस है और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और वेलबींग को ये कैसे मेंटेन रखेगा। तो 250 वर्ड्स में आप इसे चाहें तो लिखें, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, भारत के अंदर में भी इसे लागू करना चाहिए क्योंकि बहुत वर्क स्ट्रेस है आज कल के लाइफ में अंदर में। आप कहीं पे भी जाओ, किसी कंपनी के अंदर जाओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कराना चाहते हैं और कम से कम सैलरी देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप कंसर्न निकल के आ सकती है भारत के अंदर में भी कि देखिए भारत में भी ये लागू होता है कि नहीं। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे,
ठीक है, यह टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।